स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मैं गौतम प्रसाद। आज का जो बच्चे जो हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है हमारा ड्यू एडमिशंस, जो हमारा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों के लिए है। और वो एडमिशन जो बच्चों गाइडलाइंस है ड्यू की वो आ चुकी है और आज से एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो अब इस वीडियो में जो हम यह जानेंगे बच्चों कि कौन कौन से बच्चे जो कोर्स हैं वो कौन से एंट्रेंस बेस हैं, कौन से मेरिट बेस हैं और इसकी फीस क्या होगी बच्चों, और फीस कितनी होगी और लास्ट डेट कब है, हम इन सभी के बारे में जानेंगे बच्चों। ठीक है, फीस हम कैसे पे कर सकते हैं, हम इन सभी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए वो चीज़ भी हम इन सभी के बारे में आपको बताएंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ड्यू ने अपनी एक अपने पोर्टल ड्यू की साइट पे अपना एक साइट पे उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके जरिए उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो ड्यू का जो एडमिशन्स है वो स्टार्ट हो गया है वो, लेकिन सारा प्रोसीजर कैसा है, ऑनलाइन बेस होगा। अब ऑनलाइन बेस मतलब कि पहले अच्छे जो ऑफलाइन दिया जाता था, ऑफलाइन भी होता था ऑनलाइन भी होता था, लेकिन अब क्या है पूरा प्रोसीजर कोविड-19 की जब ये हुआ तो इसके ज़रिए क्या किया गया, सारे जो एडमिशन्स होने जा रहे हैं तो फॉर्म जो बच्चों को फिलअप करना होगा वो सारा इनको ऐसे ही करना होगा जिसके ज़रिए वो कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों आपको क्या चाहिए, 10th की मार्कशीट और 12th के जो आपके रोल नंबर हैं वो उसको देना होगा, अपियरिंग में डाल सकते हैं आप। तो कई बच्चों का ये भी सवाल है कि अब हमारा एडमिशन रिजल्ट तो आया नहीं, हमारा एडमिशन होगा कैसे, आप पर्चिंग में डाल सकते हैं उसमें ऑप्शंस। और जो बच्चे NCWEB के साथ जरिए करने चाहते हैं वो गर्ल्स के लिए ओनली फॉर होता है, वो इस ऑप्शंस को जरूर क्लिक करें, ठीक है ना। तो ये जो कोर्स जो एडमिशन हो रहे हैं बच्चों वो PG कोर्स के लिए और अंडर ग्रेजुएट और PG कोर्स के लिए दोनों के लिए हो रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कई कोर्सेज है जैसे कि आपका BA, BCom, BCom ऑनर्स BA प्रोग्राम और BSc, ठीक है ना, ऑनर्स प्रोग्राम। और इसमें कुछ स्पेशल कोर्स भी हैं जैसे LLB हो गया हमारा, DLED हो गया हमारा, BEd हो गया, इस तरीके से काफ़ी कोर्सेज हैं जिसके ज़रिए आप भर सकते हैं, ठीक है ना। जो आपको पसंद है वो भर सकते हैं, आपको जिससे करना है। इसकी बच्चे जो फीस है बच्चों जनरल और OBC के लिए 250 रुपये है, ठीक है ना, और जो SC के बच्चे जितने भी हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है। एप्लीकेशन स्टार्ट जो बच्चों आपकी हुई है वो आज ही स्टार्ट हुई है 20 तारीख 6 महीना 2020 को, और जो लास्ट डेट है बच्चों रजिस्ट्रेशन की वो है 4 तारीख 7वें महीने, ठीक है ना, तो इस तारीख को होगी। अब एप्लीकेशन फॉर द एंट्रेंस, एंट्रेंस की जो बच्चों की फीस है वो क्या है, वो अलग है। तो कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि एंट्रेंस बेस्ड भी हैं, आप पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, ई चलान भी कटा सकते हैं आप। तो जो आपका जो एंट्रेंस बेस्ड जो एग्ज़ाम होंगे उनकी जो फीस है बच्चों 750 है, और SC OBC के लिए कितनी है बच्चों 300 है। बच्चों इस बार की जो बात है जो हर तरीके से जो हर साल जो आते रहे हैं जो हमारा कट ऑफ है वो कुल 5 कट ऑफ आएगी बच्चों जनरल वालों के लिए, जिसमें कि हमें इसी कट ऑफ में बच्चों को एडमिशन लेना होगा। वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वह धीरे धीरे उस हर लिस्ट को चेक करेंगे और लिस्ट में जरिए जिनका जो उनके मार्क्स परसेंटेज आएंगे वो उस कॉलेज में जाकर अपना आधार कार्ड 10th 12th की मार्कशीट लेके जाएंगे, और जो इस जो फॉर्म भरेंगे उसका एक पूरा फॉर्म का वो हमें लेख निकलवा के लेके जाना है, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना ना भूले बच्चों, ये सभी चीज़ें। और इसके साथ साथ आपको फ़ीस भी लेके जानी है, कम से कम आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं 15,000 लेके जाइए, वो आपके उतने लगेंगे नहीं लेकिन बच जाएंगे, लेकिन आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेके जाएँ और सेफ लेके जाएँ। आप क्रेडिट कार्ड भी लेके जा सकते हैं और डेबिट कार्ड भी, ठीक है। आजकल जितने भी कॉलेजेस हैं वह ज़्यादातर वो क्या कर रहे हैं, नेट बैंकिंग भी ले रहे हैं, ठीक है ना, ई चलान भी कटा देते हैं वो आप कि जिससे भी देना चाहते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों कुछ चीज़ें हैं हमारी जैसे एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, 10th 12th होनी चाहिए बच्चों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कहीं से भी भारत के किसी भी संस्था से, उसने 12वीं की हो और 10वीं की हो, पास होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, नो मिनिमम एज, इसमें कोई भी एज नहीं है NTA की वजह से, ठीक है ना, NTA ने ये गाइडलाइंस जारी की है। और जो मेरिट बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, मेरिट बेस्ड जो एडमिशन होने हैं, जो मेरिट मतलब बच्चा क्या होता है, जैसे मार्क्स के अकॉर्डिंग जो होंगे BA BCom जितने भी हैं, ये केमिस्ट्री ऑनर्स और BCom ऑनर्स जितने भी हैं आपके, अरेबिक फिजिकल्स, ये जितने भी बच्चों जो कोर्सेज हैं कुछ हमारे जो कि मेरिट बेस पे होंगे, कुछ हमारे एंट्रेंस बेस, जैसे BEd हो गया हमारा, LLB हो गया, ये सारे एंट्रेंस बेस हैं बच्चों। और ये पत्रकारिता जो होता है वो भी एंट्रेंस बेस होता है। तो इस तरीके से आप इसमें जो हमारे जो हैं ये कुछ गाइडलाइंस जारी की है हमारे ड्यू ने, और आप जितना जल्दी हो सके आप अपना घर पे ही इसको आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू, और इन एनी सिचुएशंस यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, और यू कैन ऑल्सो सेंड मी मेल।
तो आप कई तरीके से आप ये देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो आप ये लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चों को शेयर करें ताकि बच्चे अपना एडमिशन पूर्ण रूप से ले सके। और हर एक बच्चे का सपना होता है ड्यू के अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे, जो कौन सा कॉलेज ड्यू का सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। आप जब तक कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें बच्चों। थैंक यू सो मच।